गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अनदर टॉपिक मोडल्स। मोडल्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस। क्या एक्सप्रेस करेगा ये? तो फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा, संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी संभावनाएं, नेसेसिटी आवश्यकता, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब अपना रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एडवाइजेबिलिटी सलाह, परमिशन आज्ञा एट्सेट्रा। इन चीज़ों को जब कोई वर्ड एक्सप्रेस करता है तो वो मोडल्स होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, आगे देखेंगे, दे हेल्प द वर्ब्स या मेन वर्ब्स या फाइनाइट वर्ब्स इन फ्रेमिंग सेंटेंसेस। मोडल्स क्या करते हैं? जो मेन वर्ब्स होते हैं या फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनको सेंटेंस बनाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, लेट अस सी। आई शैल लेंड यू माई बुक। आई शैल, शैल यहाँ पे मोडल्स है, लेंड इज द मेन वर्ब, राइट, या फाइनाइट वर्ब कर सकते हैं इसको। ही विल विन द फर्स्ट पोजिशन। विन यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है एंड विल इज द मोडल्स, राइट। हियर शैल विल आर मोडल्स एंड लेंड विन आर फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होते क्या हैं? तो वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है? फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर और पर्सन में अगर हम चेंज करते हैं तो फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाते हैं, उनके फॉर्म चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई ईट, लेकिन मैं अगर बोलूँ सी तो सी के साथ सी ईट्स हो जाएगा, उसके फॉर्म में चेंज आ गया ना, ठीक है। तो नंबर और पर्सन के साथ, जैसे राम ईट्स, तो राम के साथ ईट्स आ गया, एंड राम एंड श्याम ईट, तो उसके सब्जेक्ट और पर्सन के हिसाब से उसमें चेंज आ जाता है। दिस हैव डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट टेंसेज। टेंस के हिसाब से भी इनमें चेंज आ जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई ईट, इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इसी को सिंपल पास्ट में बोलना होगा तो मैं बोलूँगा आई एट, तो यहाँ पे ईट का एट हो गया। सो दिस इज ऑल्सो द चेंज इन द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। यानी कि फाइनाइट वर्ब अपने फॉर्म को चेंज करते हैं नंबर, पर्सन और टेंसेस के हिसाब से, राइट। चलिए अब नॉन फाइनाइट वर्ब में आता हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स। ये फॉर्म अपने चेंज नहीं करते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इन्फिनिटिव जिसमें टू लगते हैं, टू गो, टू प्ले, टू राइट। जीरेंट्स जिसमें स्विमिंग, प्लेइंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे जीरेंट्स हैं, राइट। एंड पार्टिसिपल्स, तो आपको पता है यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है इसके स्पेलिंग में, इसकी स्पेलिंग को थोड़ा करेक्ट कर देना चाहिए हमें। पार्टिसिपल्स की स्पेलिंग यहाँ पे पार्टिकल्स मैंने लिख दिया है। सो पार्टिसिपल्स की स्पेलिंग सी आई पार्टिसिपल्स, अब ये सही हो गया। पार्टिसिपल्स इसको बोलते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं। तो वर्ब थर्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। एंड पास्ट पार्टिसिपल इसमें आईएनजी लगता है, प्रेजेंट, सॉरी, जो वर्ब फर्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इस तरह से पार्टिसिपल्स होते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मॉडल के काइंड्स को देखते हैं। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मॉडल्स। फर्स्ट इज प्राइमरी मॉडल्स एंड द सेकंड वन इज द एक्सिलरी मॉडल्स, ठीक है। प्राइमरी मॉडल्स किसको बोलते हैं? प्राइमरी मॉडल्स वर्क बोथ एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड फाइनाइट वर्ब्स। प्राइमरी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं और फाइनाइट वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, तीन ही मुख्य प्रकार से प्राइमरी मॉडल्स होते हैं, बी, हैव और डू। बी के इतने सारे फॉर्म हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बींग, बीन, ये सारे बी के ही फॉर्म हैं, ठीक है। हैव के फॉर्म क्या क्या हैं? तो हैज, हैव, हैड, हैविंग, सारे। एंड डू के क्या हैं? डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ये सारे डू के फॉर्म हैं। नाउ यूज ऑफ बी, हैव एंड डू एज हेल्पिंग वर्ब पहले देखते हैं। सी इज मेकिंग अ केन बास्केट, वो केन का बास्केट बना रही है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। सी डज नो फ्रेंच, ये सारे यहाँ पे जो यूज हुए हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुए हैं, इज, हैव एंड डज। एज फाइनाइट वर्ब्स, सी वॉज हैप्पी, अब सी के साथ वॉज आया, अगर यहाँ पे दे होता तो दे वर आ रहा था, ठीक है। आई हैव एन एक्सपेंसिव पेन, तो आई के साथ हैव आया, अगर ही होता तो हैज आ रहा था। सी इज डूइंग हर वर्क, सी इज डूइंग हर वर्क, अगर यहाँ पे दे आर डूइंग देयर वर्क हो रहा था। तो इस तरह से एज फाइनाइट वर्ब्स का यूज हमने देखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि
किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स में यूज करते हैं और किस प्रकार से इनको फाइनाइट वर्ब्स में यूज करते हैं, आगे देखेंगे। एक्सिलरी मोडल्स आर कौन कौन से होते हैं? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, हैव टू, हैड टू, डेयर, डेयर नॉट, नीड, नीड नॉट, मस्ट नॉट, ये सारे क्या है? तो एक्सिलरी मोडल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सिलरी मोडल्स। नाउ लेट अस सी यूजेज ऑफ एक्सिलरी मोडल्स वन बाय वन। शैल का यूज पहले देखेंगे, तो विथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, इसमें आई और वी आता है। एग्जाम्पल, आई शैल लैंड यू माई बुक, वी शैल गो टू स्कूल टूगेदर, यानी कि आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज टू एक्सप्रेस अ सजेशन, सजेशन को अगर देना होता है तो हम शैल का यूज करते हैं। शैल वी गो आउट फॉर ए वॉक, शैल वी मीट द ऑफिसर टुमोरो, दिस इज सजेशन, राइट। एंड थर्ड इज यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस कमांड, प्रोहिबिशन और लीगल ऑब्लिगेशन। सेकेंड और थर्ड पर्सन के पास साथ भी शैल लगाते हैं, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेज हैं, जब कमांड हो, प्रोहिबिशन हो या लीगल ऑब्लिगेशन हो। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। यू शैल नॉट टेल अ लाई, यहाँ पे कमांड है, आप झूठ नहीं बोलोगे, दिस इज ए कमांड, यहाँ पे शैल लगा है। यू शैल नॉट स्मोक हियर, ये प्रोहिबिशन है, मना कर रहा है, स्मोक यहाँ नहीं करना है। यू शैल सबमिट योर सेल्स टैक्स रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, ये लीगल ऑब्लिगेशंस है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से हम लोग शैल का इनमें यूज करते हैं। अब देखते हैं शुड, शुड के बारे में। फर्स्ट इज एज पास्ट टेंस ऑफ सेल, सेल का पास्ट टेंस क्या होता है? शुड होता है। शी सेड दैट शी शुड सेटल इन अमेरिका, पास्ट में इसको शुड में यूज कर लेंगे। सेकेंड इज टू एक्सप्रेस ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन होता है तो हम लोग उसको शुड का यूज करते हैं, जैसे यू शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, राइट। थर्ड इज टू एक्सप्रेस एडवाइस, जब एडवाइस देना होता है, यू शुड रीच द स्टेशन बिफोर टाइम, एडवाइस दे रहे हैं। फोर्थ इज टू एक्सप्रेस गेस, अगर कुछ चीज़ को गेस करना है, टाइम वगैरह गेस करना है, जैसे इट शुड बी 9 o'clock नाउ, इट शुड बी 10 o'clock नाउ, तो ये गेस के टाइम में भी शुड का यूज करते हैं। नंबर फाइव यूज्ड विथ लेस टू, टू एक्सप्रेस पर्पस, लेस टू के साथ पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का भी यूज करते हैं, जैसे वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज चलो नहीं तो तुम्हें तेज चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट द यूज ऑफ विल, विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, बताइए आपको। यू विल डांस, शी विल गो, ठीक है। टू एक्सप्रेस इन्विटेशन या ऑफर, जैसे विल यू डाइन विद मी टू नाइट, यहाँ पे ऑफर कर रहा है, इन्विटेशन दे रहा है। टू एक्सप्रेस एन ऑर्डर, ऑर्डर देने के लिए विल यू शट यूर बिग माउथ, दिस इज एन ऑर्डर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए विल का यूज करते हैं, जैसे ही विल कम टू सी मी टुमोरो, संभावना है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इट इज़ यूज विथ आई टू शो, आई के साथ यूज करते हैं विल का, बताया आपको पहले, जैसे यहाँ पे बता दे रहा हूँ। डिटर्मिनेशन, जब कोई फर्म डिटर्मिनेशन हो, आई विल विन द फर्स्ट पोजिशन, आई विल पास द एग्जाम, ठीक है। फ्रेट, आई विल पनिश यू, उसमें भी हम विल का यूज करेंगे। अ प्रॉमिस, आई विल लेंड यू ₹500 टुमोरो, ये सारे इन चीज़ों में भी हम लोग विल का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं वुड का यूज, लेट अस सी द यूज ऑफ वुड एज पास्ट टेंस ऑफ विल। सबसे पहले तो ये पास्ट टेंस ऑफ विल के रूप में यूज करते हैं। ही सेड दैट दे वुड बी अटेंडिंग द मीटिंग द नेक्स्ट डे, तो ये पास्ट टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वुड यहाँ पे लगा दिया। टू एक्सप्रेस ए डिजायर और विश, इच्छा जाहिर करने के लिए, वुड दैट आई वर्किंग, है ना, काश में एक राजा होता। टू एक्सप्रेस अ पोलाइट इन्विटेशन, एक इन्विटेशन को जो पोलाइटली दिया गया हो, वुड यू लाइक सम बिस्किट्स, ठीक है। टू एक्सप्रेस अ पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस देने के लिए भी, आई वुड नॉट मीट हिम इफ यू वर, इफ आई वर यू, ठीक है, ये पीस ऑफ एडवाइस है। नेक्स्ट इन कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम वुड का यूज करते हैं, जैसे यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड, अच्छे मार्क्स लाओगे यदि तुम मेहनत करोगे, ठीक है। नाउ कैन का यूज देखते हैं। कैन टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी को बताता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही कैन स्पीक संस्कृत फ्लुएंटली, है ना। सेकेंड इज टू ग्रांट परमिशन, परमिशन वगैरह देना होता है तो वहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं, जैसे यू कैन गो, यू कैन कम, ठीक है। टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबिलिटी, जहाँ पे चीज़ें असंभव हो, हु कैन डिफीट हिज फेट, ठीक है, तो ये असंभव है। टू मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए भी, जैसे कैन आई यूज योर बाइक, कैन आई यूज योर पेन, ठीक है। नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ कुड एज पास्ट टेंस ऑफ कैन,
कैन का पास्ट टेंस के रूप में हम कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है. सी सेड दैट सी कुड सी द सन राइजिंग, ठीक है. टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए, आई कुड सिंग एंड डांस व्हेन आई वाज यंग, ठीक है. टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, कुड आई यूज़ योर फोन, यहाँ भी रिक्वेस्ट को करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट अब देखेंगे मे का यूज़. टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, मे आई यूज़ योर बाइसाइकिल. टू सीक एंड अलाउ परमिशन, परमिशन के लिए या परमिशन देने के लिए, मे आई कम इन सर या यस यू मे, इन दोनों के लिए हम मे का यूज़ करते हैं. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए जैसे इट मे रेन टू नाइट, आज रात बारिश हो सकती है ना, तो ये उसके लिए पॉसिबिलिटी के लिए. डेज इन ऑपरेटिव सेंटेंस लाइक मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से हम लोग ऑपरेटिव में यूज़ करते हैं मे का. अब माइट का देखते हैं. माइट चूँकि पास्ट फॉर्म है मे का, तो एज पास्ट टेंस में इसका यूज होता है. शी सेड दैट हर ब्रदर माइट कम बैक, उसने कहा कि उसका भाई आ सकता है. टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, कम चांसेस, कम अगर संभावना है तो वहाँ पे माइट का यूज़ कर सकते हैं. इट माइट रेन टू नाइट, हो सकती है बारिश, नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट, टू गिव एंड सीक परमिशन, परमिशन देने के लिए लेने दोनों के लिए, जैसे माइट आई कम इन सर, यू माइट गो होम नाउ, इस तरह से हम लोग माइट का यूज़ करते हैं. अब देखेंगे मस्ट का. टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट को ही करते हैं, जैसे यू मस्ट सर्व योर मदरलैंड. टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, यू मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, तो ये ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है. टू एक्सप्रेस एडवाइस, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑल दिस फैक्टर्स में हम मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना. नेक्स्ट आउट टू, आउट टू का यूज़ कहाँ करेंगे. टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, करना ही चाहिए हम लोग को रिस्पेक्ट. टू एक्सप्रेस एडवाइस, यू आउट टू हेल्प द पुअर, करना ही चाहिए हेल्प, पुअर को हेल्प, ठीक है. डेयर का यूज़ देख लेंगे. ऑनलाइन इंट्रोगेटिव्स में करते हैं, जैसे हाउ डेयर यू टच माई बैग, हाउ डेयर यू कम इन, तो इंट्रोगेटिव्स में डेयर का यूज़ कर लेते हैं. नीड जो कि लास्ट है. टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन कंपल्सन, इनमें हम जो कि इंट्रोगेटिव में होते हैं, इनमें हम करते हैं नीड का यूज. जैसे नीड आई से मोर, नीड आई गो देयर, नीड आई कम इन, ऑल दीज में हम लोग नीड का यूज़ करते हैं. लेट अस सी एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन मोडल्स. सो इसमें छोटा सा एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चंस का. लेट अस सी इट. यू डैश नॉट ब्रिंग द चाइल्ड हियर, यहाँ पे यू नीड नॉट ब्रिंग द चाइल्ड हियर, राइट. डैश यू लिव लॉन्ग, वेरी इज कैन या मे, यानी कि मे यू लिव लॉन्ग, राइट. चलिए थर्ड इज डैश दैट आई वर अ लीडर, वुड दैट आई वर अ लीडर, काश मैं एक लीडर होता. इट डैश बी 10 o'clock नाउ, इट शुड बी 10 o'clock नाउ, ठीक है. द वर्ड्स डैश फ्लाई हाई इन द स्काई, द वर्ड्स कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, ठीक है. सिक्स इज डैश आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर फोन, ठीक है. सेवन इज द पैसेंजर्स डैश कीप वॉच ऑन देयर लगेज, द पैसेंजर शुड कीप वॉच ऑन देयर लगेज, राइट. नाउ नंबर एट, डैश दैट आई वर अ विलियनरे, वुड दैट आई वर अ विलियनरे, काश मैं विलियनरे होता, ठीक है. डैश आई ओपन द डोर, शुड आई ओपन द डोर. नंबर टेन लास्ट इज डैश आई से मोर अबाउट इट, नीड आई से मोर अबाउट इट. सो नो डाउट दिस वॉज अ लॉन्ग वीडियो, बट आई फेल दैट, बट आई फील दैट यू वुड हैव एन्जॉयड इट. सो नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.